चाचू, मैंने अगली वीडियो में आप लोगों को आर्टिकल 12 से आर्टिकल 22 तक बताया था। एक्चुअली ये मौलिक अधिकार होता है सिटीजन का। संविधान बनाते वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर ये बात बताए थे, भारत का सिटीजन जब उनका अधिकार को पहचानेंगे और जान जाएंगे, उसी दिन भारतवर्ष से तानाशाही गवर्नमेंट उखड़ जाएगा। भारत का सिटीजन उनका मौलिक अधिकार को जानेंगे यानी पढ़ेंगे, संविधान के बारे में जानेंगे तो एग्जीक्यूटिव सही हो जाएगा, न्यायपालिका सही हो जाएगा और कार्यपालिका साथ साथ व्यवस्थापिका भी सही हो जाएगा। करप्शन को रोकने के लिए अपने आप हमारा सिटीजन तैयार हो जाएंगे। विडंबना ये है कि भारतवर्ष में अंधविश्वास कुसंस्कार फैलाकर लोगों का दिमाग को उइक करके, धर्म के नाम पर एक्सप्लोटेशन करके शासन करने की जो परंपरा भारतवर्ष में चली आ रही है, उन्हें मिटाना बहुत जरूरी है। संविधान ही ऐसा एक वे है जो इंसान को इंसानियत सिखाता है, एक सिटीजन को आजादी का राह दिखाता है। और ये किताब भारत के संविधान, खास करके ये जीने का जरिया है। साथियों, आज मैं आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 35 तक बताऊंगा, जो कि चैप्टर 3 का मौलिक अधिकार में आता है, भारत का संविधान से। 23 में क्या लिखते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर? कहते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। यहाँ 23 के तहत कोई भी सिटीजन को फोर्स लेबर और बंडेड लेबर किया नहीं जाएगा। यहां से शुरू होता है इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेज और मिनिमम वेज का बात आता है, और आर्टिकल 23 लेबर को सुरक्षा देता है और पूंजीवाद को खत्म करता है। वैसे आर्टिकल 24 में छोटे छोटे बच्चे को डिफिकल्टी काम फैक्ट्री में एंगेज करना कानूनन अपराध है। ये आर्टिकल 24 के तहत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का बच्चों को भविष्य को बनाने के लिए, उनका जिंदगी को सुधारने के लिए आर्टिकल 24 रखे हैं, ताकि कैपिटलिस्ट उन्हें एक्सप्लोटेशन ना कर पाए। छोटा बच्चे को मजदूरी काम में एंगेज करके वो ज्यादा बेनिफिट मुनाफा कमाने के लिए कोशिश करने वाला बंद हो जाएगा, और उसके साथ साथ बच्चों को एजुकेशन मिलेगा, जो कि आर्टिकल 21A के तहत डॉक्टर अम्बेडकर ने एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी कर देते हैं संविधान के तहत। तो आर्टिकल 24 में छोटे बच्चे कभी भी मजदूरी काम नहीं कर सकता। उनका काम है एजुकेशन प्राप्त करना, देश गढ़ने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आर्टिकल 24 बच्चों का राइट के लिए ये ऑलवेज यूज होता है। इसीलिए हर कोई अभिभावक को आर्टिकल 24 में जानना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन द प्रैक्टिस ऑफ प्रोपगेशंस ऑफ रिलीजन। कोई भी रिलीजन, या ना ईसाई, ईसाई सिख इस्लाम या बुद्धिस्ट या हिंदू, जो भी धर्म, वो सिटीजन अपना मनमार्जी वो उनको रिसीव करता है और छोड़ भी सकता है, और उनका रिलीजन को वो प्रोपगंडा करेगा, लेकिन वो साइंटिफिक थॉट होना चाहिए। जो भी रिलीजन होना क्यों, वो दूसरी रिलीजन को ठेस होना नहीं चाहिए। आपका रिलीजन प्रोपगेशन करने का टाइम में आपको ये आजादी देता है, और आपका रिलीजन कभी भी अंधविश्वास को संस्कार फैलाना नहीं चाहिए। जो भी रिलीजन अंधविश्वास को संस्कार को फैलाता है, उन्हें आर्टिकल 25 के तहत इजाजत नहीं मिलता, और मानवतावाद को फैलाने वाला रिलीजन को ही संविधान जगह देता है। आर्टिकल 26 के तहत फ्रीडम मिलता है टू मैनेज योर ओन रिलीजियस अफेयर, मतलब आप अपना रिलीजियस के नाम पर मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, चर्च बना सकते हैं, संपदा रख सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए
आपके वजह से, आपके रिलीजन का वजह से दूसरा रिलीजन को कोई ठेस ना पहुंचे, कोई भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट के ऊपर हनन होना नहीं चाहिए, इतना ध्यान में रखना चाहिए। जब आपका रिलीजन के द्वारा इतना हो रहा है, यानी ये समझिए ये संविधान का खिलाफ चला जाता है। तो आर्टिकल 27 क्या कहता है, फ्रीडम इज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कोई भी रिलीजन को अब प्रमोशन करने के लिए आपको जबरन कोई चंदा वसूली कर नहीं सकता या टैक्स मांग नहीं सकता। जबरन कोई चंदा मांगना धर्म के नाम पर, टैक्स मांगना धर्म के नाम पर, लोगों को ठगना, ये कानूनन अपराध है। आर्टिकल 27 यहाँ सिटीजन को प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि ना कभी कभी कुछ धर्म का लोग हावी हो जाते हैं माइनॉरिटी का ऊपर। मैं यहाँ लिंग्विस्ट माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी और रीजन माइनॉरिटी, जो जन्म स्थान के हिसाब से माइनॉरिटी के बारे में बता रहा हूँ, किसी को भी जबरन टैक्स वसूलना कानून अपराध है, जो आर्टिकल 27 हर कोई सिटीजन को प्रोटेक्शन देता है। तो आर्टिकल 21 के तहत जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशन होता है, सरकारी इंस्टीट्यूशन के तहत कोई भी रिलीजन वहां वर्शिप किया नहीं जाएगा। यह गवर्नमेंट का खर्चा से पद पर बैठे हुए, जैसे एग्जीक्यूटिव में बैठे हुए लोग, जुडिशियरी में बैठे हुए ऑफिसर या लेजिस्लेचर में बैठे हुए कोई भी पदाधिकारी, गवर्नमेंट का खर्चा से कोई भी रिलीजन वर्शिप कर नहीं सकता। वो करना मतलब ये संविधान के खिलाफ है, भारत का संविधान उन्हें इजाजत नहीं देता। समझिए, भारत का प्रधानमंत्री कोई मंदिर जाना चाहते वो अपना खर्चा में जा सकता है, भारत का प्रधानमंत्री के तहत वो जा नहीं सकता। उनके लिए भारत का पैसा, हमारा लोगों का टैक्स का पैसा से कोई भी मंदिर वो पूजा अर्चना कर नहीं सकता। वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन के हिसाब से करेगा, पहले वो भारत का प्रधानमंत्री है, वो पद को उनको छोड़ना होगा, क्योंकि ना ये दूसरे रिलीजन का ऊपर प्रेशर डालता है। और जो भी हो ना, क्यों भारत का प्रधानमंत्री जहां भी गश्त में जाते या राष्ट्रपति जहां भी गश्त में जाते, ये पब्लिक मनी से मतलब लोगों का टैक्स में होता है, सेकुलरिज्म के छवि का ऊपर ये प्रेशर आता है। इसलिए आर्टिकल 28 में ये सब करने के लिए सरकारी इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए पदाधिकारी, सरकारी इंस्टीट्यूशन में कभी भी कोई भी पर्टिकुलर धर्म का पूजा कर नहीं सकता। ये कानून कभी भी, हमारा संविधान कभी भी हमें इजाजत नहीं देता। सबको इंडिपेंडेंट है, 25 के तहत फ्रीडम मिलता है रिलीजन प्रचार करना, रिलीजन रिसीव करना छोड़ना, लेकिन ये इंडिविजुअल बन जाता है। एग्जीक्यूटिव कोई अधिकार नहीं है, लेजिस्लेचर कोई अधिकार नहीं है, जुडिशियरी को कोई अधिकार नहीं है, या कोई भी स्कूल कॉलेज, सरकारी स्कूल या कॉलेज में, सरकारी फंड से चलने वाले स्कूल और कॉलेज में भी कोई भी धर्म का प्रोग्राम करना हमारा संविधान कभी भी परमिशन नहीं देता, क्योंकि ये दूसरे रिलीजन का लोगों का ऊपर ज्यादा ठेस पहुंचाता है। 29 के तहत, आर्टिकल 29 के तहत क्या बताया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी को यहाँ सुरक्षा देता है हमारा संविधान, माइनॉरिटी को यहाँ सुरक्षा दे रहा है 29 के तहत। आप उनका धन का सुरक्षा, उनका जीवन का सुरक्षा, उनका मान का सुरक्षा, उनका सम्मान का सुरक्षा देना के लिए आर्टिकल 29 बद्ध परिकर है। ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाता है, इसलिए माइनॉरिटी लोगों को ये जानना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 29 के तहत उन्हें ये अधिकार दे दिए हैं। आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटी को कुछ राइट मिलता है, माइनॉरिटी को कुछ अधिकार मिलता है। वो अपना रिलीजियस के लिए, अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, अपना बिजनेस के लिए जो भी वो कर सकता है, वो अधिकार हमारा संविधान का तहत उन्हें सुरक्षित है। इनको कोई भी सिटीजन वायोलेशन नहीं करेगा, वायोलेशन करेगा मतलब ये दंडनीय अपराध होता है। आर्टिकल 31 में मूल संविधान में एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी कंपल्सरी था, लेकिन इनको रिपील किया गया है, इनको हटाया गया है। ऐसे ही आर्टिकल 32 ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 32 को हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं। आर्टिकल 32 के तहत ये फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकार का ये आत्मा है, इनको सही से इस्तेमाल करना, सिटीजन को जानना बहुत जरूरी है। उसके तहत आर्टिकल 32 के तहत संविधान प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 5 रीट देते, ये सिर्फ
कोई भी सिटीजन का अधिकार को हनन होने से ही होता है, जैसे हैबियस क्रॉप्स, मंडामस, प्रोहिबिटेशन, स्टैट्यूटरी एंड क्यूवारंटो, ये पांच अधिकार सिटीजन को मिलता है जो सुप्रीम कोर्ट के तहत ये अधिकार को संरक्षित किया जाता है आर्टिकल 33 में। आर्टिकल 33 में पावर ऑफ पार्लियामेंट होता है कुछ राइट को मॉडिफाई करने के लिए, अधिकार है पार्लियामेंट को। आर्टिकल 34 में रेस्ट्रिक्शन किया गया है कुछ राइट को, इमरजेंसी पीरियड में पार्लियामेंट का अधिकार होता है, रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। आर्टिकल 35 के तहत लेजिस्लेशन को के लिए कुछ अधिकार है, संविधान का अंदर नागरिकों को सुरक्षा करना, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। साथियों, मैंने आप लोगों को ये बता दिया, ये कुछ अंक बताया, इसको आप लोग